नमस्कार, मैं प्रिया। आज 24 दिसंबर, चले जाते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली रिक्तियां। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस में नौकरी देने का सुनहरा मौका पेश किया है, जिसके तहत भारतीय डाक सेवकों के 4200 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसको लेकर 21 दिसंबर को डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। भारतीय डाक विभाग के गुजरात और कर्नाटक पोस्टल सर्किल के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है और 20 जनवरी तक आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं। पटना के श्रीकृष्ण साइंस सेंटर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यहां आपको कई प्रकार के विज्ञान से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। पर्यटन के तौर पर विज्ञान केंद्र बेहतरीन विकल्प है। आपको यहां विभिन्न प्रकार के दर्पण मिलेंगे। यहां विभिन्न महापुरुषों की स्टैचू बनी है। खेलने के लिए पर्याप्त साधन है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं। यहां के डिजाइन और विज्ञान की वस्तुएं को देखकर आप रोमांचक हो उठेंगे। फन साइंस गैलरी, पॉपुलर साइंस गैलरी, विश्वरूपा, 3D शो, महासागर, जुरासिक पार्क, इवोल्यूशन, चित्रों और रंगों का अवधारणा और उनके परावर्तन का दृश्य मौजूद है। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी आपको सहज ही अपनी ओर खींचे रखेगी। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों को आवास हुए आवंटित। बिहार सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को 3 स्टैंड रोड स्थित आवास, जल संसाधन और अन्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी को 5 सर्कुलर रोड स्थित आवास, परिवहन मंत्री शीला कुमारी को 23M स्टैंड रोड स्थित आवास, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन को 25M स्टैंड रोड स्थित आवास, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को 6 स्ट्रैंड रोड स्थित आवास, कृषि सहकारिता और गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को 12 बेली रोड स्थित आवास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान को 43 हार्डिंग रोड स्थित आवास, श्रम संसाधन और अन्य विभागों के मंत्री जीवेश कुमार को 5 पोलो रोड स्थित आवास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार को 33A हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 640 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,48,668 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 257 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 73 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 30 मामले सामने आए हैं। नए साल में उपभोक्ताओं को झटका दे सकती है बिजली कंपनी। आने वाले नए साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को करारा झटका लग सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार नए साल में 10% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस प्रस्ताव को इस हफ्ते के अंत तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सौंपने की तैयारी भी है। लंबे अरसे से फायदे में रहने वाली बिजली कंपनी को फिलहाल 15% घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मूल कारण कोरोना बताया गया है। नए साल में राजधानीवासी उठा सकते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुफ्त। गंगा की लहरों के बीच नए साल में लोग एक बार फिर से महात्मा गांधी घाट पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पार्टी का मजा उठा सकेंगे। पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय समीक्षा की और अधिकारियों से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बंद होने के कारण को जाना, साथ ही रेस्टोरेंट को जल्द खोलने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पहले ही पूरी हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर पहल नहीं की गई है और यही कारण है कि इसका परिचालन भी ठीक नहीं हो सका। बिहार में आज तक कोल्ड डे की जारी की गई चेतावनी। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। इसी बीच ठंड को लेकर बिहार में आज तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब बिहारवासियों को 24 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। बुधवार को भी ठंड ने लोगों की काफी परेशानी बढ़ा दी थी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में हो रहे बर्फबारी और उधर से आ रही ठंडी पछुआ हवा के कारण बिहार कपकपा रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना भी जताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्म में भी नजर आते हैं। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ। उन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में अमिताभ बच्चन की फिल्म अक्स से की थी। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रनसा सिंह के किरदार से मिली थी। हालांकि फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दी गई थी, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को बेहद सराहा था।
बीपीएससी ने परीक्षा और इंटरव्यू का कैलेंडर किया जारी। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की गई है, वहीं मुख्य परीक्षा मार्च 2021 तक आयोजित करने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इंटरव्यू अगस्त 2021, सहायक अभियोजन पदाधिकारी पीटी परीक्षा और खनिज विकास पदाधिकारी परीक्षा फरवरी 2021, मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, सहायक अभियंता असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, सहायक अभियंता यांत्रिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक विभागाध्यक्ष की मार्च 2021 से होगी। 31वीं बिहार न्यायिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा मार्च 2021, इंटरव्यू जुलाई और अगस्त, वहीं 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और अंकेक्षक बिहार पंचायत अध्यक्ष सेवा प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021, 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन प्रकाशन जुलाई 2021, प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021, मुख्य परीक्षा जनवरी 2022, वहीं इंटरव्यू मई 2022 में लिए जाने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार ने अगले साल फरवरी महीने से बिहार को अधिक अनाज देने की कही बात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगले साल फरवरी 2021 से अगले आदेश तक के लिए केंद्र ने संशोधित मासिक उप आवंटन किया है। 460,566 टन बताई जा रही है, इसमें गेहूं की मात्र 184,226 टन और 216,340 टन है। यह समूचा उप आवंटन जिलावार प्राप्त हुआ है। इसको लेकर जरूरी अधिसूचना सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को दे दी गई है। खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह आवंटन गेहूं की दर 2 रूपए प्रति किलो और चावल की कीमत 3 रूपए प्रति किलोग्राम ही रहेगी। नए साल में घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से मिलेगी मदद। नए साल में सरकार से अनुदान का लाभ अब कोई भी ले सकता है। इतना ही नहीं, इस लाभ का इस्तेमाल करते हुए लोग अपने अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए बिजली कंपनी ने पहल करते हुए सौर ऊर्जा से अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली उत्पादन की मंजूरी केंद्र सरकार से ली है। इससे लगभग 10,000 लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। इसके लिए बिजली कंपनी आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके पहले करीब 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की मंजूरी मिली थी, जिसके लिए लोगों से आवेदन भी मंगवाए गए हैं। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर एक्शन मोड में आई नीतीश सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन सरदार पटेल भवन बनने के बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और गृह सचिव आमिर सुबहानी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस मुख्यालय विजिट के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह से अप्रिय वाक्यों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हम काफी चिंतित है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी की चिट्ठी। मिथिलावासी की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने की नसीहत दी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी भी जारी कर दी है। जारी किए गए इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि दरभंगा जिले में बने एयरपोर्ट का नामकरण मशहूर मैथिली कवि विद्यापति के नाम पर किया जाए, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने दी है। उन्होंने कहा है कि काफी कम समय में भारी संख्या में लोग इसका प्रयोग करने लगे हैं। भाजपा ने राजद विधायक शमीम अहमद पर मामला दर्ज करने की कही बात। प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने नरकटिया के राजद विधायक शमीम अहमद पर लगाए गए मामले छुपाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द किए जाने की मांग उन्होंने की है। इस बाबत संजय जायसवाल ने कहा है कि शमीम अहमद ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में जो शपथ भरा है, उसमें कहीं भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं है। शपथ पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री अहमद ने अपने ऊपर लगे सभी मामलों को छुपाया है, जो गलत है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अहमद ने अपनी पार्टी को अपने खिलाफ 2 मामलों के लंबित होने की जानकारी दी थी। किसान दिवस के मौके पर नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने निकाली भड़ास। किसान दिवस के मौके पर बीते दिन राजद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया था। वहीं आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के किसान को भिखारी बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर सेलिब्रिटी को बधाई देने वाले पीएम मोदी और सीएम नीतीश किसानों की जान गंवाने पर क्यों मौन है। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव से बात करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि चुनाव में पार्टी भाजपा को हराने वालों का साथ जरूर देगी। पप्पू यादव ने न डरने और न ही रुकने की कही बात। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसानों के साथ पूरे देश
को आने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के सभी विपक्षी दल किसानों के लिए एक समन्वय समिति का गठन करे। यह समिति किसान संगठनों के साथ मिलकर किसानों के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों, कांग्रेस, वामपंथी दल और क्षेत्रीय दल के समन्वय समिति से जुड़ने का मैं आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हमें लाठी से दबाने का प्रयास किया है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना ही रुकेंगे, और हार तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नई दिल्ली पहुंचे बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से की मुलाकात। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही नीतीश कुमार के दोनों मुख्यमंत्री अपने दो दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंच चुके थे। वहीं अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शिष्टाचार मुलाकात के दौरान बिहार में हो रही नीतीश सरकार के विकास कार्यों को बताया। इस दौरान राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी वो काम करेंगे जो बिहार के विकास के लिए हमने सोचा है। तारकिशोर प्रसाद ने विश्वास जताया है कि बिहार की डबल इंजन सरकार का लाभ हम सभी को मिलेगा। वहीं आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ले गई हिस्सा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बिहार में भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला लिया है, और यही कारण है कि केजरीवाल सरकार अब संवेदनशील बिहार में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के बुरारी विधानसभा सीट से विधायक संजीव झा नववर्ष के दौरान बिहार आ रहे हैं। इसके बाद वे संगठन के ढांचे को किस तरह से दुरुस्त करेंगे, इसके बारे में काम शुरू करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। कोलकाता में 1894 में पहले मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज ही के दिन किया गया था। लोटस टेम्पल में 1986 में श्रद्धालुओं के लिए इसे आज ही के दिन खोला गया था। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित आज ही के दिन किया गया था। इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड 1989 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया था। विश्वनाथन आनंद ने 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप आज ही के दिन जीती थी। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 2002 में शहादरा 30,000 लाइन से हुआ था। भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म 1959 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति सप्रू का जन्म 1961 में आज ही के दिन हुआ था। गया और पटना के बाद बिहार शरीफ में भी कंगना के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बिहार में बढ़ती ही जा रही है। गया और पटना के बाद बिहार शरीफ में भी कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने इसको लेकर बीते दिन कंगना रनौत के ट्विटर इंडिया के डायरेक्टर मनीष महेश्वरी और मेंबर्स महिला कॉल के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। नाथन लायन ने रविचंद्रन अश्विन से अपनी तुलना नहीं करने की कही बात। शनिवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले कई खिलाड़ियों के बयान सामने आ रहे। इसी क्रम में अब ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लायन ने अश्विन को लेकर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो और रविचंद्रन अश्विन अलग तरह के गेंदबाज हैं और उनके बीच तुलना नहीं की जानी चाहिए। अश्विन विश्व स्तरीय गेंदबाज है, मैंने उसे गेंदबाजी करते काफी देखा है। खासकर भारत दौरे पर मैंने उससे सीखने की कोशिश की है, उसके पास काफी विविधता है। उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी रफ्तार में तेजी से बदलाव कर सकता है और काफी प्रतिभाशाली है। हम एक ऐसे भी हैं और अलग अलग भी, लिहाजा हमारी तुलना संभव नहीं है। नए साल के कैलेंडर के साथ साथ गूगल में भी होने वाला है बदलाव। सर्च इंजन गूगल से आप कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। गूगल वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंजन है। मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप पर गूगल के जरिए हर समय कुछ ना कुछ जरूर सर्च किया जाता है। इसी बीच गूगल ने सर्च इंजन के इंटरफेस में तब्दील का ऐलान किया है। इससे आपके सर्चिंग एक्सपीरियंस में काफी सुधार होने की संभावना जताई गई है। एक रिपोर्ट में गूगल के नए इंटरफेस की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि आप जैसे ही कोई लिंक पर माउस रखेंगे उसका प्रीव्यू दिखने लगेगा। अभी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो कई लिंक्स रिजल्ट के रूप में दिखते हैं। नए फीचर में लिंक को टच करने पर प्रीव्यू दिखने लगेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम
48,770 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,770 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। फेसबुक ट्विटर पर जानकारी मिलते ही एक्शन में आएंगे बिहार के अधिकारी। जनता की समस्याओं का निपटारा बेहद ही कम समय में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब समस्याओं का निपटारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया जाएगा, जिसके बाद फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन समेत अन्य किसी भी सोशल साइट पर मौजूद सरकारी विभागों के पेज या बिहार सरकार के सरकारी पेज पर अगर कोई किसी समस्या या अपनी परेशानी को लेकर शिकायत करता है तो उसका समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इसके लिए शिकायतों को संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने फेसबुक, ट्विटर या अन्य सोशल साइट पर किसी समस्या को लेकर पोस्ट करेगा तो उसका भी सोशल मीडिया पर ही तुरंत संज्ञान दिया जाएगा। पीएम मोदी का कार्यक्रम 25 को बिहार में दिखाया जाएगा लाइव। 25 दिसंबर को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे से होने वाले संबोधन को बिहार भाजपा द्वारा प्रदेश में लाइव दिखाया जाएगा। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने सारी जानकारी साझा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि इस कार्यक्रम के साथ ही बिहार भाजपा सभी 534 प्रखंड में किसान चौपाल सम्मेलन भी आयोजित करने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रवेश कुमार, कलेश्वर पांडे, संजीत कुमार, रविंद्र कुमार शर्मा, आनंद कुमार गुप्ता, गुड्डू कुमार, ललित कुमार, गणेश शाह, अजीत कुमार, जयकांत वर्मा, भागलपुर। इसके साथ ही हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।